तो गाइस ये है अफ्रीकन ब्लैक स्कॉर्पियन जो कि वेनमस है ना, बहुत अच्छा मॉन्स्टर फिश है। मॉन्स्टर फिश अभी देखिए इधर वाना आपको देखने मिलेगी, ये पूरी ये रेड इगुआना देख सकते हैं पूरा, जो कि बहुत लोग इसको बोलते हैं बीच खोपड़ा इंडिया का, पर ये वो नहीं है। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुबह से ब्लॉग। तो गाइस आप कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आज का जो ब्लॉग है काफी इंटरेस्टिंग होगा। आज हमारा मरीन एक्वा जू में जो कि दादर में, तो इधर पे हमको बहुत सारे रेप्टाइल्स आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे एक्सोटिक पेट्स दिखाने वाला हूँ, तो वो पूरा हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। अभी हम एंट्री कर चुके हैं और देखिए पहले हमको ये सब गोल्ड फिश देखने मिल रहे हैं, जो तो कोई फिश भी है अलग अलग टाइप से। तो इधर से हम चालू करते हैं, अभी थोड़ा आगे आएंगे तो हमको पूरा दिखाते हैं, पहले अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम अंदर आते हैं, तो इधर आपको बहुत सारे मतलब इधर बहुत सारे आपको इधर पे ना फिश देखने मिलेंगे, जो भी मतलब एक्सोटिक फिशेज है उसको कवर करके आपको दिखाते हैं। और गाइस अभी एक रेडियस स्लाइडर है बिग साइज में, क्योंकि बासिंग कर रहा है अभी। और देखिए ये पूरा सीन देख सकते हैं। अभी ये फिश देखिए, ये एकदम सबसे ना बहुत सबसे मॉन्स्टर फिश है। मॉन्स्टर फिश एलिगेटर का ये काफी साइज में बहुत लंबी है, तो इधर देख सकते आप जूम करके देखा सकते हैं। इधर पे देखिए एकदम डेंजरस फिश है, तो अभी एकदम चिल कर रही है इधर पे। अभी यहाँ देखते हैं, तो गाइस अभी देखिए इधर अरवाना आपको देखने मिलेगी, ये पूरी अरवाना ही है टाइप्स में। गोल्डन अरवाना से बहुत सारे स्पीसीज आती है, अलग अलग कलर से आते हैं, ग्रीन में आता है, रेड में आता है, सिल्वर में आता है। जैसे सिल्वर जो कॉमन फिश में ना सिल्वर रहती है, पर ये गोल्ड है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा रेयर है। तो ये देखिए और एकदम बिग साइज में, और काफी एग्रेसिव भी है, देख सकते हैं। ऐसा हम हाथ करेंगे, देखिए देखा फोकस कर रही है, जहां मेरा हाथ जाएगा ना गाइस उधर ही फिश आएगी, एग्रेसिव है। अभी इधर देख सकते हैं, इधर पे एक फ्लावर ऑन है जो कि थाई सील के, अगर जो उसके ऊपर आप देख रहे हैं ऐसा गोल जैसा, वही उसका हॉर्न है, तो वही उसका मेन चीज है जिससे पैट काफी पॉपुलर है फिश के मामले में, काफी ज्यादा पॉपुलर फिश है फ्लावर हॉर्न। इधर पे हमें कुछ डिस्कस देखने मिले, डिस्कस फिश तो काफी गुड हेल्थ में, और इधर पे कुछ बेटा फिशेस है जिसको फाइटर फिश भी बोला जाता है, बेटा फिश। देखिए इधर पे बहुत सारे अलग अलग यूनिक यूनिक कलर्स में, और इधर पे एक छोटा सा टर्टल है, बेबी टर्टल जो कि रेडियस स्ट्राइडर का बेबी है, जो कि ये बिग साइज होगा ना तो ऐसा साइज में हो जाएगा पूरा। गाइस इधर पे एक ऑस्कर से दो, ये भी काफी सारा मतलब एग्रेसिव है, देखिए जहां मुझे करेंगे ना उधर आएगी, काटने के लिए करेगी। और ये डिफरेंट कलर में देखिए, एल्बिनो में ऑस्कर्स, और इधर पे देखिए ये है पैरट फिश, ये काफी ज्यादा क्यूट दिखती है, आपको अलग अलग टाइप्स देखने मिलेंगे। और गाइस इधर पे एक बिग एंजल फिश है, ये बहुत बड़ी साइज में एंजल फिश है, काफी ज्यादा एक्वेरियम में आपने देखा रहेगा, पर सब स्मॉल साइज में देखा रहेगा, ये तो बिग साइज में। और जो हमने देखे एंजल फिश उधर देखे थे बिग साइज में, वो इधर पे बड़े स्मॉल से बेबी से पूरे। और मेन देखिए गाइस, ये आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा है पिराना को, अगर इधर भी सिंगल है, अगर पूरे ग्रुप में रहती ना, तो अगर आप इसको उंगली डालते ना तो ये आपकी उंगली गायब कर देती, ये बहुत ही एग्रेसिव है फिशेस। और गाइस ये देखिए गोल्ड फिश देख सकते हैं, इधर पे रेड कैप सर, रेड जैसा ना, इधर के कैप जैसा है, तो इधर पे पूरा इन्फॉर्मेशन है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अभी एक फ्लावर ऑन है, बेबी है, और इधर टेट्रा है, बहुत स्मॉल स्मॉल टाइप से टेट्रा है, आप देख सकते हैं एकदम स्मॉल्स में। और इधर भी एक और हमको मिला है फीमेल फ्लावर ऑन, और इधर पे नाइफ फिश है, आप देख सकते हैं इधर नाइफ जैसा इसका है शेप है, तो इसके उसका नाम जो है ना नाइफ फिश रखा गया है। और सबसे मेन चीज गाइस ये देख सकते हैं, ये जो है ना एक प्रॉन फिश है, जो कि इसको पैट्स की तरह बहुत लोग पालते हैं, ये एक्सोटिक स्पीशीज है, और ये कुछ मॉलिस है। और जब कॉटन देखते हैं ना इधर पे, ये लोग ये अंडा अंडा सब इधर ही देते हैं, तो ये इनका जगह है कॉटन का, देखिए अलग अलग टाइप्स के ब्लू में भी रेड में सब।
ये देखिए ये है नियॉन टेट्रा, बहुत छोटे छोटे में ले सकते हैं। हाँ तो गाइस अभी हमने को फिशेस दिखा दिए पूरे, तो अभी हम देखते हैं रेप्टाइल्स जो है ना काफी ज्यादा मेरे को मेन चीज में को वो देखने का है, तभी वो देखते हैं। फिशेस तो मैं आपको पूरे दिखा दिए, तो अभी रेप्टाइल्स दिखा दिए अलग टाइप्स के, चलिए चलते हैं। गाइस अभी इधर पे जो अंदर का सीन है ना, उधर पर आपको रेप्टाइल्स दिखाऊंगा मैं, अलग अलग टाइप के स्नेक हो गया, इगुआना हो गया, और अलग अलग टाइप के जो आपने देखा नहीं होगा वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले इधर पे बर्ड्स का है, तो पहले बर्ड्स को गाइस इधर देख सकते हैं, इधर पे एक कॉकटेल है और ऊपर बर्ड्स है, कॉकटेल्स वगैरह बजेस है स्मॉल साइज में, ये देखिए। और गाइस देख सकते हैं पूरा ना जो बॉक्स देखे ना, अपना नेट्स बॉक्स से जहाँ लोग रहते हैं सब बॉक्स बनाया गया, ब्रीडिंग बॉक्स भी बोलते हैं इसको, तो ये पूरा बॉक्स है और इधर पूरा इनका ना पूरा इन्वायरमेंट उनके हिसाब से पूरा इधर पे बनाया गया है। गाइस अभी मेरे साथ में अमन भाई जो काफी रेस्क्यूअर है, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर है, और उनके पास भी प्राइवेट पेट्स बहुत सारे हैं, तो अभी भाई मेरे को बताएंगे सब पेट्स के बारे में, कौन कौन से पेट्स है, तो भाई बता सकते हैं अभी इधर ये क्या चीज़ है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ पेट्स रखे हुए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी इगुआना थे, इगुआना को इस केज में इतना रखा गया है धूप लगने के लिए, अभी धूप से चले गए इनको और भी बड़े केज में छोड़ा जाएगा। एग्जॉटिक पेट्स है, एग्जॉटिक लीवर है, कोल्ड ब्लड रहते हैं तो उनके लिए बासकिंग, हाँ बासकिंग बहुत जरूरी है, कोल्ड ब्लड जो जानवर रहते हैं होता है रेप्टाइल्स होते हैं उनको धूप बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर से खुद से गर्मी नहीं प्रोड्यूस करते, अपने इंसान के लिए गर्मी होती है लेकिन इनमें गर्म नहीं होता है, इनकी बॉडी ठंडी रहती है अंदर से, तो गर्मी सही होती है। कौन कौन टाइप्स के इधर से इगुआना? अभी तीन कलर आपको देखने मिले, ग्रीन ब्लू और रेड इगुआना, तीन कलर के इगुआना थे यहाँ पे, या अभी छोटे स्टेज में छोटे, अभी ये आगे जाके अच्छे खासे टाइप पकड़ गए, मतलब बहुत बड़े होते ना, अच्छे खासे बड़े होते, 5-5.5 के फिट कर सकते। तो देखो गाइस अभी इधर पे भाई ने बाहर निकाल के दिखा रहे, उसको कर सकते हैं अंदर दिखा रहे। तो देखिए ये है रेड इगुआना, काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है, देखिए भाई ने निकाल के दिखाया है हमको, तो आप देख सकते हैं वगैरह के लिए हम इसको जो ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट और दूसरे अलग अलग वेजिटेबल जो भी, थोड़ा प्योर वेजिटेरियन है, हाँ नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं लोग, इनके डाइट में इंक्लूड नहीं होता है ये सारी चीज़ें, तो फ्रूट वगैरह जो भी, मतलब फुल्ली वेजिटेरियन है, हाँ फुल्ली वेजिटेरियन है। तो ये रेड इगुआना देख सकते हैं पूरा, तो ये थोड़े साइज होने के बाद पता चलेगा। तो इधर कौन से नेटिव है, कहाँ से है नेटिव? नॉर्थ अमेरिका से नेटिव है, फ्लोरिडा वगैरह में इस तरफ से बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो अभी काफी ज्यादा इंडिया में पॉपुलर भी हो गए, पॉपुलर पेट्स में आ गए, लेकिन इसी तरह अगर इनका तादाद बढ़ते रहे तो इंडिया में भी बहुत ज्यादा तादाद बढ़ सकती है, इनको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, मतलब अभी इंडिया में ब्रीड चालू है, हाँ चालू हो गई है। तो राय देख सकते हैं इधर पे, ये पैकमैन फ्रॉग है, पैकमैन ये भी एग्जॉटिक स्पीशीज है, अभी इसके बारे में ज्यादा इतना मेरे को प्रॉपर नॉलेज नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा कभी इसको रखा नहीं है, मुझे इतना पसंद नहीं है पैकमैन फ्रॉग, बाकी ये बहुत ही ज्यादा फेमस फ्रॉग है, बहुत ज्यादा फ्रॉग के मामले में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोग इसको प्रेफर करते रखना, क्योंकि यही तो चीज है बहुत इसका यही सेटअप रहता है, कुछ यूनिटी वगैरह ऐसा मिलता है। पैकमैन का मीनिंग आप बता सकते हैं क्या? पैकमैन शायद से वो कार्टून कैरेक्टर का नाम था पैकमैन, तो उसी के नाम से उसका नाम पैकमैन फ्रॉग है, वैसे या तो इसकी वजह से उस कार्टून कैरेक्टर का नाम पैकमैन है, वैसे तो मतलब इसमें ऐसे रखना पड़ता है, इनका फिलहाल इसको पानी में रखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि पानी थोड़ा मॉडी सा गीला रहे, अभी इसमें कोकोपीट वगैरह डाल के इसका सेटअप करने वाले, पानी में इसलिए रखा है ताकि थोड़ा सा फ्री माइंडेड घूम सके, वरना हाइबरनेशन के तरीके से अंदर घुसते जा रहा था कोकोपीट में, क्योंकि क्या ज़्यादा हार्ड रहती है, नहीं बहुत ईजी अगर अच्छे से रखोगे तो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा टफ एनक्लोजर रखे तो आपको मुश्किल हो सकता है आगे। देखिए इधर पे फ्रॉग से पैकमैन फ्रॉग, तो इधर पूरा है इन्फॉर्मेशन, अगर आप आओगे तो आप इधर से पढ़ सकते हो डिटेल में। नॉर्मल रेडियो फेडर जो होते हैं ग्रीन कलर के छोटे से होते हैं और बड़े बहुत अच्छे खासे होते हैं, कॉइन साइज के जो बेबी रहते हैं, ये वाला अल्बाइनो है, जैसे कि डिफेक्ट है इसमें, इंसानों में जैसे कोड वाली बीमारी होती है ना जो आदमी सफेद हो जाता है, वैसे इसमें वो अल्बिनिज्म होता है, वो अल्बिनिज्म इसमें है, जो ग्रीन कलर का टर्टल है वो येलो हो चुका है, उसकी आईज पूरी प्रॉपर रेड है, काफी रेयर है बोलते हैं, हाँ बहुत रेयर है, बहुत कम मिलता है, ऐसे जल्दी मिलता नहीं है येलो में, हाँ आप लोग क्लोजअप में दिखा सकते हैं, इसका पूरा चेहरा आपको दिखेगा, क्लोजअप में देखिए पूरा फुल येलो में, नीचे से ना नीचे से, हाँ
तो भाई अभी ये क्या है वो बताओ, ये तो मैं पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये भी बहुत ही पॉपुलर पेंडली बर्ड है, अर्जेंटाइन टेगू, अर्जेंटाइन व्हाइट एंड ब्लैक टेगू, इसमें रेड कलर की स्पीसी, रेड कलर का मॉर्फ भी आता है। जैसे ये नॉन वेज है, जैसे कि आपने इग्वाना भी देखा था ना, वो प्योर वेजिटेरियन है और इनके फैमिली से रिलेटेड करते हैं, लिजर्ड स्पीसीज में है वैसे, और ये प्रॉपर नॉन वेज है। जैसे कि आपने इग्वाना देखा था ना, वेजिटेरियन खाता है, ये सिर्फ नॉन वेज खाती है, ये वेजिटेरियन कभी नहीं खाती, सिर्फ नॉन वेज। हाँ, पकड़ो, हमें इधर से दिखाता हूँ तो गाय से देख सकते हैं। तो क्या मैं और कुछ बता सकते हैं, आपकी पब्लिक से बहुत डरती है, अलग समझती है, बीच खोपड़े कुछ बोलते हैं, बीच खोपड़ा जो रहता है वो इंडियन मॉनिटर लिजर्ड है ना, जो कहते हैं बीच खोपड़ा, बहुत लोग उसको वही बोलते हैं, सब लोग इसको यही समझते हैं, लेकिन एक्सोटिक स्पीसीज है, जैसे कि इंडिया की नहीं है, इंडियन स्पीसीज नहीं है, एक्सोटिक पेट है, तो ये वही है, देख सकते हैं। तो इधर से आप ले लीजिए, इधर से डर लग रहा है इसको देख के ही, तो भाई ने बोला एग्रेसिव है तो उसको दूरी रखने का। तो ये क्या, मतलब जो स्नेक में जो स्किन निकलती है इसका भी वो रहता है वो? हाँ, हर रेप्टाइल अपना स्किन शेड करता है, हर जानवर वैसे एक तरीके से स्किन शेड करता है, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो रेप्टाइल हो, जैसे कि आप लोग देख रहे हो काफी निकल रहा है, ये काफी रेयर देखने मिलता है, देखिए ये काफी रेयर देखने मिलता है स्किन शेड, यहाँ पे न्यू निकल आप जैसे देख लीजिए क्लोजर उधर पे। तो देखिए गाइस, अभी इधर पे ब्लू इग्वाना है, तो ये भाई ये मेल है कि फीमेल है? मेल है, ये मेल है और काफी एग्रेसिव लग रहा है ये, बाइट कर रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब जो इसके इधर है ये क्या चीज है? ये मेल का जो बड़ा रहता है, मतलब वो आइडेंटिटी कर सकते हैं हम लोग, ये बड़ा तो मतलब मेल है, मेल है। तो ये ब्लू में और मतलब को रेड रेड भी दिख रहा है, तो इधर पे इसका रेड जो शेड्स ना रहता है, और इधर ब्लू में भी है, थोड़ा मिक्स कलर में सा लग रहा है, तो कपड़ा देख सकते हैं, स्पाइन तो देख रहे हैं ड्रैगन टाइप में। तो भाई अभी कितने खड़ा करेगा ये? डेढ़ से दो खड़ा करेगा, मतलब अभी और बड़ा होगा, तो जो रेड में ना उससे और बड़ा होगा ये, तो देखिए ये रेड बॉय है, अभी इसको हम दिखाने वाले थे, पर उसका क्या है ना, उसका स्किन का कुछ प्रॉब्लम, मतलब स्किन उसकी निकल रही है, तो भाई ने अभी, अमन भाई ने बोला कि इसको भी निकाल नहीं सकते, तो इसकी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर अमन भाई से कभी मिला तो उनको इसे दिखा देंगे हम उनके साथ में। तो रेड बॉय है, देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये गाइस अफ्रीकन ब्लैक स्कॉर्पियन है, भी एनिमल्स है। तो गाइस इधर देख सकते, जब एक टैरेंटुला है, पर ये लगता है सो रहा है, इसके लिए भी इसको हम बाहर नहीं निकाले, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना हम उसमें दिखाएंगे टैरेंटुला। ये देख सकते इधर पे है ब्लैक स्कॉर्पियन, लोग ये पूरा इनक्लोजर आप देख सकते हैं, पूरा इनक्लोजर मैं आपको पूरा दिखा दिया हूँ। तो अभी इधर आप आ सकते हैं, इधर आने के लिए आपको सिर्फ दादर जाना है, जैसे शिवाजी पार्क में जस्ट अपोजिट साइड में आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आपको सिर्फ एंट्री फीस 20 रुपीज़ है, वो भी इन जो पेट्स रखे हैं उनके लिए, वो थोड़ा बहुत जो फूड्स के लिए तो उनके लिए रखे, बाकी तो समझो ये फ्री ही है। तो इसके जस्ट सामने आओगे ना शिवाजी पार्क, तो उधर आपको पूरा मिल जाएगा इनक्लोजर। तो पहले आपको फीस का दिखेगा, फिर उसके बाद फिर आपको इधर एक्सोटिक जो पेट्स हैं ना रेप्टाइल्स, वो पूरे दिखेंगे, तो इधर आके आप देख सकते हो और पूरा आप उनका नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है एनिमल्स के बारे में। तो आप देख सकते हो कि इसमें फ़र्क होता है, जो इंडियन स्पीशीज रहती है ना वो नहीं रहती, जो एक्सोटिक स्पीशीज रहती है ना उसको आप ऐसा होम में घर पर भी रख सकते हो, तो पूरा आपको ना इधर नॉलेज मिलेगी, तो इधर आके आप चेक कर सकते हो और पूरा आपको इधर बहुत सारी जगह मिलेगी। देखिए जो इनक्लोजर है पूरा देखते हैं, पूरा जंगलों के बीच में, और इनको देखिए क्या हुआ, सही था ना, मजा आया, अलग लेवल में मजा आया। मेरे को सांप को, मतलब जो पाइथन है ना उसको लेने का था, पर उसका कुछ ना स्किन का इशू था, मतलब स्किन छोड़ रहा था, तो उसके लिए उसको मैं हैंडल नहीं कर पाए। और देखिए इधर पे, तो फाइनली गाइस मैंने सोचा कि मैं इसको पकड़ना ट्राई करता हूँ, और मैंने पकड़ लिया, कुछ कर नहीं रहे, तो मेरे को तो ऐसे डर लग रहा था, पर मैंने ट्राई किया और कुछ कर नहीं रहे, कितना क्यूट है और अच्छे से कुछ शांत बैठा है। तो गाइस अभी ये देख सकते हैं अपने पास है एक ब्लैक टेगू जो है अर्जेंटीना का है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रेयर स्पीसीज है, मतलब ये ना एक्सोटिक पेट्स है, जो कि बहुत लोग इसको बोलते हैं बीच खोपड़ा इंडिया का, पर ये वो नहीं है, ये ना एक्सोटिक है, इसको बहुत लोग पालते हैं इंडिया में। तो देख सकते हैं कितना क्यूट है, और काट भी नहीं रहा है, एकदम नॉर्मल है, देख सकते हैं इसकी साइज़ देख सकते हैं कैसी है। तो गाइस हमने इसको पूरा एक्सप्लोर करा दिया, क्या था इधर का सीन, तो मैंने आपको बहुत सारे रेप्टाइल्स दिखाए, फिशेस दिखाए। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।